हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद वाह, नाम जी आनंद। और माता जी का? आनंदी। निकले ताली बजाओ दोनों एक साथ। ठाकुर जी बहुत अच्छे, ठाकुर जी बहुत अच्छा नाम दे दिया। हाँ देखो, आज आनंद बरस रहा है ना। देखो आज हम लोगों का बड़े भाग्य है जो कि घर में संत लोग आए हैं। इसलिए श्री गर्गाचार्य कहते हैं, जब उनको घर में श्री गर्गाचार्य नंद बाबा का घर में आए। नंद बाबा कौन है? भगवान के पिताजी है। गर्गाचार्य बहुत बड़े संत थे। जब उनको घर में आए हैं तब ये बात को श्री नंद बाबा कहते हैं, संत लोग घर में क्यों आते हैं? क्या हमसे कुछ लेने के लिए आते हैं? कहते लेने के लिए नहीं, हमको देने के लिए आते हैं। वहां पर भी पृथ्वी महाराज कहते हैं, जिस घर में संतों का चरण धूलि पड़ जाए ना, वो घर नहीं, वही घर भगवान का धाम बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवान की धाम। वो कहते हैं, जब तो घर में संत लोग नहीं आए ना, घर में हरि कीर्तन हरि कथा नहीं हो, पते वो घर क्या आए? और जो बिल में जहरीले सर्प रहते हैं ना, उसमें इंसान नहीं, उसमें जहरीले सर्प रहते हैं। मतलब क्या है? जैसे घर में संत लोग आए, हरि कीर्तन हो, हरि कथा हो, हम सब जाएंगे, जीवन क्या है, ठाकुर जी जीवन क्यों दिए हैं, जीवन पाने का तात्पर्य क्या है, हैं? जब समझाएंगे घर में क्या होगा? कितना बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनो सुलभ ना हो। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो, तब तक जीवन में संत संग नहीं मिलता है। और जब तक सत्संग नहीं मिलता है, तब तक हमारे ज्ञान ही नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं होगा, प्रभु का भजन क्यों करेंगे? किस लिए प्रभु की भक्ति करेंगे? इसलिए संतों का समागम से हमारे हृदय में भक्ति की भावना जगाते हैं, प्रभु की भजन। जिस घर में पिता माता भाई बंधु सब घर में भजन करे, बस घर भगवान के धाम ही है। फिर घर में संत नहीं आए तो बस उसकी चुगली, सास बहू की चुगली, बहू सास की चुगली, ननंद बहू की चुगली, चुगली दुनिया की निंदा चर्चा। घर में और क्या होता है बता? घर में और क्या होता है? चुगली के सिवाय दुनिया में कुछ है ही नहीं संसार में। इसलिए यहाँ पृथ्वी महाराज कहते हैं, घर में जिस घर में संत नहीं आए ना, कहते भैया वो घर तो जहरीले सर्प रह गए, वो इंसान नहीं रहे। इसको ईर्षा, उसको द्वेष, उसका कलह, उसकी झगड़ा होती है। इसलिए यहाँ पर श्री नंद बाबा कह रहे हैं, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहणाम दीन चतसाम। कहते हम लोग दीन चित, मतलब क्या? कोई संसार में तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी। दुखी दुखी है कि नहीं संसार में? सब दुनिया सुखी, कोई सुखी संसार में नहीं है। लेकिन संत लोग क्यों आते हैं? ये दुख का कारण क्या है? बोले इसका एक ही कारण है, केवल हमने भगवान को भूल गए। हम जो भगवान के संतान है, हम जो मातृ गर्भ में भगवान से पैदा करके आए थे, ठाकुर जी एक बार हमें ये इंसान जीवन दे दे, उठते बैठते सोते तेरा ही भजन करूंगा, तेरे भक्ति करेंगे। हम जो वायदा करके आए थे ना, उसको हमने भूल गया। भूलने का वजह से संसार में माया क्या कर रही? बोले ठाकुर को भक्ति नहीं करके माया की सेवा कर, बस पीठ पर कोड़े मार रहे। कोड़े मारना क्या है? संसार में जो दुख कष्ट है। बोले संसार में क्यों ठाकुर दुख कष्ट देते है? इसका मतलब मिले दुख कष्ट भोग। इसका मतलब है जीव को ये पता चले, ये संसार सुख का स्थान नहीं है, ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही सहने का दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान की शरण में ही शांति सुख है, नहीं तो दुनिया में कहीं भी शांति सुख नहीं। इसलिए संत लोग यही चीज हमें समझाने आते हैं, भैया अपना घर में लौट चलो, अपना घर में वापस चलो। अब लगते घर हमने बनाया, सारे कागज पत्र हमारे पास में, घर का मालिक था हमी है, भले ये तुम्हारी घर नहीं है, रिफ्यूज होकर दो दिन के लिए यहाँ है हम। वो शरीर से परमात्मा चले जाए ना, देखना घर से सबको बुला कर घर से निकालेंगे, एक घंटा भी रुकने दे निकालो, पर घर में दोबारा घुसने नहीं देंगे तुमको। फिर बोले भूत बनकर घुस नहीं जाए, फिर लोहे रख लेंगे सामने, बोले दोबारा ये घुस नहीं है। इसलिए हमारी घर नहीं है। फिर हमारे घर कहाँ है? बोले हमारे घर भगवान के चरण, ठाकुर के चरण में हम घर है। इसलिए संत लोग समझाने आते, बोले भैया वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
वहां जाने के लिए हमें तीन काम करना पड़ेगा। तीन काम करने से ना बस हम इस जीवन में भगवान को पास में पहुंच जाएंगे। बोले तीन काम क्या है, उदाहरण दिया, जैसे हम विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ से कहीं विदेश जाना चाहते हो, हमारे पास में तीन चीज की जरूरत है, जानते हो क्या क्या है? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट। अगर ये तीन चीज हो ना, साधारण जगत में देखना, साधारण जगत में अगर यहाँ से अमेरिका, लंदन, फ्रांस कहीं भी जाना चाहते हो, ये तीन चीज की जरूरत है। पहला नंबर पासपोर्ट। बोले पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कट्टी। क्या है गले में तुलसी की? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम जम दूतों को कह रहे हैं। बोले किसको किसको यहाँ पर ले आओगे? बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। जम दूतों को कह रहे हैं। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको दूर से प्रणाम करियो, समझ जाना ठाकुर को भक्ति भजन करते, उनको नरक नहीं लाना। तो जब दूत ने पूछे भैया पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, कुछ लक्षण तो होनी चाहिए ना, जैसे तुम लोग शादी शुदा है, मेरे कैसे पता चलता है तुम शादी शुदा है? सिंदूर लगाए, मांग भरी, गले में मंगलसूत्र पहनते हो, है ना, नाक में बेसर पहनते हो, हाथ में शंखा पहनते हो, है ना। भैया जगत का पति के लिए जब इतना हमने श्रृंगार भर दिया, परम पति जो पति का जो पति परम पति है, उसके लिए क्या चिन्ह हमारे पास में? जैसे पति है, अगर हमने पूरा सधवा का चिन्ह उतार दे, विधवा बन करके पति को सामने जाए, पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं? बोल के जिंदा रहते रहते क्या तुम्हारे खत्म कर दिए तुमने? बोलेगा ना। हाँ, जब जगत का पति के लिए इतने कुछ किए हो, जो पति का जो पति है, जो परम पति है, तो उसके लिए कुछ तो लक्षण होने चाहिए ना। ये क्या? पहला नंबर गले में तुलसी की कंठी धारण करो। हैं, ये तुलसी कोई लकड़ी मत समझो, ये साक्षात माँ लक्ष्मी है। देना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती, देखे कि नहीं? वो लक्ष्मी है। भगवान जब ये दुनिया से गए, अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए? बोले तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन आदि, ये तुलसी में रख कर गए। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? भाग्य भी आए। वृंदावन मतलब क्या? वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब बन, जहाँ तुलसी का बन ठाकुर जी वहीं पर है। ये तुलसी कंठी में कौन? लक्ष्मी और नारायण दोनों का निवास हो गया है। ये तुलसी में बहुत सारी मेडिसिन है, लकड़ी मत समझो। इसलिए जब महाराज उदाहरण दे करके बोले, देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं? बोलो कितने तरह के? एक पालतू एक फालतू। बोले पालतू कैसे पता चलता? बोले गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है ना, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते है। और फालतू कुत्ता किसको कहते हैं? बोले बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमता है। देखना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं, इसलिए गले में तुलसी कट्ठी है ना। हम किसके पालतू है? ठाकुर जी के। हम साधारण व्यक्ति नहीं, ठाकुर जी के पालतू है, ठीक है ना। इसलिए उसका नंबर तिलक लगा। बोले ये तिलक क्या है? बोले गोपियों की चरण धूलि है, गोपियों की चरण धूलि है। ये साधारण कोई इसको मत समझो, इसलिए ठाकुर को देखो तिलक लगाते हैं, बांके बिहारी के देखो, राम के देखो, नारायण के देखो, हनुमान को देखो, वो भी तिलक धारण करते हैं, ठाकुर भी स्वयं तिलक लगाते हैं। जब पुतना आ गई, माँ जसोदा कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से तिलक धारण करवाए, ठीक है ना। तिलक लगाने चाहिए जैसे ये लोग लगाए ना, जैसे उर्धव पुंडरम, तिलक का नियम है उर्धव पुंडरम। इसलिए शास्त्र ने बताया उर्धव पुंडर धर्म ब्रियते जत्र कुतर सिंह, अगर कोई उर्ध्वपुंड धारण करते हुए कहीं भी मरे, प्लस सुपाक अभी वो चंडाल क्यों नहीं हो, मम लोक महिला, ठाकुर खुद कहते हैं सीधा मेरे पास में आएगा। ये गोपियों की चरण धूलि है, इसलिए जो हमें भगवान तक ले जाएंगे, ठीक है ना। पहला नंबर है गले में तुलसी की माला धारण करो, गले में कंठी पहनो, तिलक लगा। और जो तीसरा चीज है वो क्या है? कहती है टिकट है। जैसे कहीं जाओगे टिकट की जरूरत है ना, है टिकट है। इसलिए अब तो अब लोग तो भारत गए ना, सब हिंदू है। अब देखना जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने वो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? क्या बोलते हैं? बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, ये बोलते ना। किसको सुनाते? ऊपर जो लेटा हुआ। बोले भैया जीवन में जितने तुमने राम के नाम लिए,
जितने तुम्हें कृष्ण का नाम लिए हो केवल वही सच्चा है, इसको छोड़ करके जगत में सब झूठा है, जगत में इसको छोड़कर जगत में सबके सब झूठा सब है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब जीवन में क्या मिला तेरे को, बोले जितने राम का नाम लिया वही मिला, जगह में सब ही खोवाए, जगह में सब ही खोवायो, बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन पड़त सबा। ये ऐसे का धन है चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, लूट नहीं सकते, फूट नहीं जाएगा, जो धन केवल जगत में बैठते रहेगा, और यही धन ही हमारी अंतिम समय में यही काम में आएगा है, यही हमारी काम में आएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की माला जप करनी चाहिए, भगवान की हरिनाम करनी चाहिए, यही धन ही हमारी अंतिम समय में साथ में जाने वाले, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी ये कलिजुग का महामंत्र है, कलिजुग का यही मंत्र है। इसलिए चार युग है, कितना युग है, सत्य तृतीया द्वापर और कलि। ये हर युग में एक एक धर्म था। कहते सत्य युग का लोग कौन सा नाम जप कर उद्धार होता था, ये पुराण में बताया, नारायण परा वेदा नारायण परा मोक्षा नारायणम परम गति नारायणम परा मुक्ति। सत्य युग का ये लोग हरि नाम इसको नाम जप करते थे, उद्धार होता था। तृतीया युग आ गया, बोले तृतीया युग में लोग कौन सा नाम जप करते थे, बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, ये एक नाम था जो तृतीया युग का लोग इसको जप करते थे। द्वापर युग आया, फिर द्वापर युग का लोग कौन सा मंत्र जप करके उद्धार करते थे, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, कलि संतरण उपनिषद, बोले हरि मुरारी मधु कैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जगकेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय नमाम जगती सरक्षण। ये नाम को लेकर के द्वापर युग का लोग उद्धार होते थे। अभी कलियुग आया है, कलियुग में कौन सा नाम करनी चाहिए, शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती बोले इति षोडशक नामनम कलि कल्मष नाशनम नाथ परत उपाय सर्व विदेश दृश्यते। समस्त वेद में दिखाई गया है कि जो 16 नाम और जो 32 अक्षर है यही नाम ही जीव का कल्याण करने वाले उद्धार होने वाले कलि का पाप नष्ट करने वाले हैं। कि जो हरे कृष्ण कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे 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 राम 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 हरे। कहिए कलिजुग का महामंत्र, बोले हरे कृष्ण मतलब क्या है, बोले हरे मतलब साधारण अर्थ होता है हमारे जितने दुख कष्ट को जो हर ले। हरे मतलब क्या, हरे का नाम लेने से क्या होता है, दुख कष्ट हमारी हर जाता है, खत्म हो जाती है। कृष्ण मतलब क्या, मन बड़ा चंचल इधर उधर भटकता है, मन को शांति नहीं मिलती, लेकिन ये कृष्ण नाम लेने से ना हरे जितने दुख कष्ट सब दूर हो जाएगी, मन को शांति मिलेगी। बोले राम मतलब क्या है, बोले जीवन में आराम मिले, जीवन में आराम। बताओ संसार में क्या चाहते, वही तो चाहते हो ना, दुख कष्ट दूर जाए, जीवन में शांति सुख मिले, मन को शांति मिले, यही तो बोलते हैं ना, आराम मिले, यही तो चाहते हो, क्या चाहते हो, और तो कुछ नहीं चाहते हो। हाँ, इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से दुख कष्ट दूर जाएगा, ठीक है ना, और जीवन को मन में शांति मिलेगा, कलिजुग का ये महामंत्र, ठीक है, ये हरिनाम को जप करना। लेकिन एक नियम भी है, बोले क्या है, बोले जैसे आपको कोई बीमारी है, बड़ा कठिन बीमारी, कोई अच्छे डॉक्टर के पास में तुम गया, बोले डॉक्टर जी एक बीमारी, डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर, बोले देखो बढ़िया दवा तेरे को दूंगा, जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगा, लेकिन अगर वो दवा को तुम परहेज को साथ में लोगे फिर जल्दी बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगी, है ना, अगर बगैर परहेज को लोगे फिर तो लंबा खींचेगा, फिर बीमारी लंबा खींचेगी फिर। इसलिए बोले कलिजुग में हमें चार नियम का पालन करनी चाहिए, भागवत में परीक्षित महाराज कलि को चार जगह दिया है, केवल चार नियम पालन करो, थोड़ी सी हरिनाम करो, बड़ा पाल। पहला नंबर क्या, बोले जुआ मत खेलो,
दूसरा नंबर, किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लो। मुझे लगता है तुम लोग कोई जुआ भी नहीं खेलते हो, नस्ली वस्तु भी नहीं लेते हो। नस्ली वस्तु जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, फुटका, हाँ लेते हो तुम लोग, वो कोई नहीं लेते है ना, इसलिए। और देखो तीसरा नंबर है बोले स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब होता है स्त्रियों को ऊपर में भी कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है, बोले जो अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष से मिलते हैं, संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करनी चाहिए, है ना, अपना संसार। इसने बगैर शादी के स्त्री पुरुष दूसरों है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर घूम रहे, ये शास्त्र, उसको शास्त्र में इसको मना किया गया है। हाँ, संसार करो, शादी करके पत्नी को साथ में ही अपना संसार बैठाओ, जिससे तुम सुख शांति में रहोगे, नहीं तो वहाँ पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जो चौथा नंबर है, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। बोले जीव हिंसा मतलब क्या, बोले मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर तुम्हें मांस वास खाते हो, मांस कोई खाते नहीं ना, नहीं खाते ना, हाँ बहुत अच्छी बात, तुम लोग पुण्य आत्मा हो। हाँ, मांस इसका सबसे बड़ा पाप बताया कि मांस है, ये जीव हिंसा है ना, हर जीव के हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए कभी इसको दुख कष्ट नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। कभी ये चार नियमों का पालन करना, लगता है प्याज लहसुन खाते होंगे, खाते है ना, हाँ केवल एक ही चीज है। हाँ देखो, जैसे जैसे देखो नवरात्रि आई ना, नवरात्रि कोई नहीं खाते है ना, क्यों नहीं खाते, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए मैं देखो जो चीज माता जी को पसंद नहीं, माता जी को खुश के लिए तो खाते नहीं ना, माता जी को क्या, मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना, फिर खा कर नाराज कर, इसलिए माता जी को जो प्रसन्न नहीं, खाती नहीं, जो चीज ठाकुर जी को खाना को भोग नहीं लगता है, जो चीज राम नहीं खाते, जो चीज नारायण हनुमान जी नहीं खाते, वो चीज हमें भी नहीं खानी चाहिए, तामसिक भोजन है। इसलिए भागवत में कथा आई, भगवान जिस समय जब धोखे से सौरभानु दैत्य ने धोखे से अमृत को पी लिया, इतने में भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको गला काट दी। बोले जहां पर उसको मांस गिर पड़ा ना, वहीं पर प्याज भी पौधा हुई। इसलिए देखना, जैसे मांस देखने के लिए लाल लाल है, प्याज भी लाल लाल, जैसे मांस से बदबू निकलता है, कच्चा प्याज का मुंह से बदबू निकलता ही नहीं, निकलता है ना, यहाँ प्याज काटो पता चले कहीं प्याज कट रहा है, छोंक दो उसकी भी बदबू आती है, हैं? इसको ये तामस की भोजन है, प्याज लहसुन आदि तामस की भोजन है, फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, हैं? ठाकुर जी को जो चीज ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, भुंजते तो अघम पापा जे पचते आत्म कारणा, जो अपना लिए रोसी बना कर खाते वो पाप भोजन करते है, जो व्यक्ति मेरे को भोजन भोग लगा कर खाते वो अमृत भोजन करते है। वो अमृत, सुदामा का नाम सुने हो, पहले सुदामा गरीब बना, बाद में धनी बना, क्यों गरीब बना, हम टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, गुरु माता ने चना दिया था, लेकिन उन्होंने कृष्ण को बिना दिए खाए, इसलिए गरीब होगा, पर धनी कब बना, जब ठाकुर को दर्शन के लिए गए, 2 मुट्ठी ठाकुर चिड़वा खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, मतलब घर में अगर ठाकुर को भोग लगता है ना, पर घर में लक्ष्मी की कृपा हो, पैसा की कृपा हो, बताओ लक्ष्मी जिसको नहीं चाहिए, चाहिए ना, लक्ष्मी वगैरह तो कुछ होती नहीं, नहीं होती है, इसलिए क्या करो ठाकुर जी को भोग लगा के खाया करो, ठीक है ना, और भगवान के हरि नाम करो, भगवान के नाम जप करो, और इसी से ही हमारी परम शांति। कथा में आते हो तुम लोग, कथा में आते हो, कौन कौन आते हो, हाँ तुम लोग नहीं आते हो, नहीं आती हो ना, इतने हम लोग कितने दूर से आए वृंदावन से, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते जब कथा हो ना, इधर सुना, जब कथा हो देवता लोग स्वर्ग से आते हैं कथा सुनते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते हैं, शंकर जी कैलाश से आते हैं, करोड़ जी वैकुंठ से आते हैं, इतने दूर करोड़ों करोड़ों मील से, आप तो 2 कदम गए, यहाँ 1 किलोमीटर होगा, क्या 10 किलोमीटर, हाँ भैया एकदम सही बता रही, इसलिए कथा में आना, ठीक है ना, आज राधारानी जन्म लेगी, आज राधारानी जन्म लेगी, सबके सब कथा गाओ, ठीक है।
हाँ भगवान की कथा सुनने से शंकर जी पार्वती को ये कथा सुनाए थे, ये अमर कथा है जिसको सुनने से जीव अमरत्व की प्राप्ति करती है, ये अमर कथा भागवत। इसलिए सबके सब कथा में आना ठीक है। आप सबको एक माला दे कर जाऊंगा, हरिनाम माला जब करोगे हरिनाम करोगे, कौन कौन करेगा? तो पीछे पीछे वाला हाथ उठाए, आगे वाले कोई हाथ नहीं उठा रहे, डर लेते।